सभी का फिर से एक बार स्वागत है एनुअल वीकेंडर्स में। एंड अराउंड 15 डेज के बाद मैं घर से बाहर पड़ा हूँ बिकॉज ऑफ क्वारंटीन। 15 डेज क्वारंटीन में था घर पे, कुछ लोग पॉजिटिव थे तो सभी ने घर पे ही रुकना था तो घर पे ही रुके थे सब लोग। तो आज बाहर आके फिर से अच्छा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कल से फिर से घर पे बैठना है बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर से डिक्लेयर कर दिया कि 15 डेज के लिए अगेन लॉकडाउन होगा करके। तो कल से फिर से घर पे बैठना है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बना लूँ। एक्चुअली ये वीडियो मुझे अराउंड एक महीने पहले ही बनाना था, बट 15 डेज अनफॉर्चुनेटली क्वारंटीन में चले गए। एंड उसके 10-15 दिन पहले जो अपने थंबनेल में बोर्ड देखा, वो बोर्ड अराउंड यहाँ पे रखा गया था, तो वो मैंने देख लिया था कि बोर्ड रखा यहाँ पे टूरिस्ट जेटी के लिए। एंड नेक्स्ट डे वो बोर्ड यहाँ पे लगा भी दिया था, जो मेन इसकी वॉल थी एंट्रेंस वॉल, वहाँ पे ये बोर्ड ये लोगों ने लगा दिया था नेक्स्ट डे। एंड उसके नेक्स्ट डे देखा तो गायब हो गया था, बट पता नहीं क्यों ये लोगों ने निकाल दिया था बोर्ड। तो एक्चुअली ये बोर्ड उन्होंने अंदर की तरफ लगाया अभी, तो मैंने सोचा कन्फर्म नहीं है तो नहीं बनाती वीडियो। बट कुछ महीने पहले मैंने एक आर्टिकल देखा था वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो वो आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड लास्ट वीक मैंने फेसबुक पे एक फ़ोटो देखा जिसमें था कि वाटर टैक्सी स्टार्ट हो रहा है, नवी मुंबई से मुंबई एंड थाना कनेक्टिंग करेगा। तो मैंने सोचा कि अभी ये वीडियो बना देना चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है ये टूरिस्ट जेटी बन रही है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्कर से पूछा तो बोल रहे कि 2019 नवंबर से स्टार्ट हुआ है काम, बट लॉकडाउन के पहले मैंने कभी कुछ यहाँ पे देखा नहीं था काम वगैरह। बट जब भी अनलॉक हुआ उसके बाद अराउंड यहाँ पे जो काम चालू हुआ बहुत फास्ट काम चालू हुआ था, नाइट में भी बहुत टाइम बार में देखा काम चालू होता था, काम चलता था यहाँ पे, लेकिन बहुत फास्ट काम किया अराउंड ये लास्ट 6-7 मंथ्स अनलॉक ओपन होने के अनलॉक के बाद। बट स्टिल ऐसे लग रहा है कि मई तक तो काम नहीं होगा कंप्लीट, बट जो वर्कर था वो बोल रहा था कि मई एंड तक होना चाहिए, बट देखते अभी कि कब तक हो रहा है काम चल रहा है। तो गाइज ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है CBD बेलापुर सेक्टर 15 में, क्रोमा की साइड वाली जो लेन पकड़ के अगर आप अंदर की तरफ आते हो सेक्टर 15 की तरफ तो स्ट्रेट यहाँ पे आ जाओगे। एंड होप अगर जल्दी कंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है एंड स्टार्ट भी होता है, गवर्नमेंट के ऊपर कभी स्टार्ट करना है तो शायद लोकल पे एंड बस का रश थोड़ा कम हो जाएगा एंड एक नया ट्रांसपोर्टेशन मुंबई के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन की स्टेटस दिखा देता हूँ, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ। अराउंड 50-60% कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है।
वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक करना, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फेल टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू, बाय बाय.